क्या बात है भाई, कितना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बात कर रहे हो, क्या हो गया? पापा, हम इंग्लिश सिखा रहे थे। किसे? अंकल, इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को इंग्लिश सिखा रहे थे, गेम खेल रहे थे। क्या बोलते हैं उस गेम को, क्या है? क्रॉसवर्ड। हाँ, क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड खेल रहे हो ना, जंप वर्ड तो नहीं? क्योंकि तुम लोग तो चिल्ला चिल्ला कर उछल उछल कर बात कर रहे हो, आराम से बात करो ना। क्या? हम तो ये कह रहे थे कि आप हमें इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रहे और हम हिल रहे। हिलो मत। क्या पापा? आपको नहीं, मैं तो सचिन को कह रही थी। वो सचिन है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इधर उधर भागता रहता है, जंप करता रहता है, इसीलिए मैं उसे कह रही थी एक जगह खड़े रहो। सचिन, चलो वर्ड बोलो, दोबारा वर्ड बोलो। कौन सा? क्रॉसवर्ड का वर्ड। A for apple, B for ball, C for tumrendo, D for bolo. D for donkey. सुनो, तुम दोनों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च का काम कर रहा हूँ, प्लीज जरा आराम से बात करो। ओके पापा, आप अब जाइए, हम बिल्कुल धीरे बात करेंगे, ठीक है सचिन? अब जाओ। अब इतना भी धीरे बोलने को नहीं कहा है मैंने, बात करो लेकिन आराम से। बच गए। हेलो 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 रिया, हेलो। धीरे बोलो, हमारे पापा एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल धीरे बात करना, आवाज मत करना, ठीक है? अरे स्टूपिड, वो फोन पर बात कर रही है ना, अंकल को कैसे सुनाई पड़ेगा? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो, क्या हुआ? रिया, जानती हो आज आस्था के साथ क्या हुआ? क्या हुआ होगा? वो ऑडिशन के लिए फिर से ट्राई कर रही होगी और सर ने उसे रिजेक्ट कर दिया होगा। नहीं, यू आर रॉन्ग, टीचर ने आस्था को सेलेक्ट कर लिया है, शी इज जूलियट, हमारे शो की जूलियट। वाओ, आस्था को जूलियट करो, मिल गया। यस। हेलो आस्था, आस्था आई है, मैं बाद में बात करती हूँ, एंड थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, बाय। कांग्रेचुलेशन आस्था। आस्था, क्या हुआ, तुझे तो जूलियट का रोल मिल गया, फिर भी तू अपनी शक्ल ऐसे सड़ी हुई क्यों बनाई है? आस्था, जूलियट की शक्ल ऐसी थोड़ी ना होती है। आस्था, हम जानते थे कि तुम जूलियट के रोल के लिए जरूर सिलेक्ट हो जाओगी। आस्था आस्था